बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपी, चिकन टिक्का मलाई कढ़ाई। और इसका बहुत डिफरेंट टेस्ट और सेम ऐसा लगेगा कि आप बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। 1 कप हमने दही ली है, टिक्का मसाला लिया है, कोई भी ब्रांड का लीजिए, 2 टेबल स्पून। लेमन जूस लिया है हमने, 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक पेस्ट लिया है, 2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून। जर्दे का रंग लिया है हमने, 2 पिंच, 2 चुटकी के बराबर। कसूरी मेथी ली है, 1 टीस्पून। नमक लिया है, 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून। 1 किलो हमने चिकन लिया है, आप किसी भी शेप में आप इसके पीसेस करवा सकते हैं। आधा किलो हमने टमाटर लिए थे, उनको गर्म पानी में डाल के हमने उसका छिलका जो है उतार लेना है, और उसके बाद उसको स्लाइसेस में हमने कट कर लेना है ताकि बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं और गल जाएं अच्छे से। तमाम टमाटर हमने स्लाइसेस में कट कर लेने हैं और उनको रखेंगे कढ़ाई के लिए साइड पे। अदरक के स्लाइसेस लिए हैं, धनिया लिया है हैंडफुल, हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 कट, और एक हमने कोयला लिया है स्मोक के लिए। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, इसमें तमाम मसाले डालने हैं। दही डाली है 1 कप, साथ ही टिक्का मसाला डालेंगे। लेमन जूस शामिल कर दिया है, जर्दे का रंग, और लहसुन अदरक पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको 3 से 4 घंटे हमने रखना है ताकि तमाम मसाले जो हैं चिकन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं और ये बहुत सॉफ्ट सा रेडी हो जाए, अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये रेडी है, इसको हम रख देंगे साइड पे। एक पैन में हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, चिकन को हमने 3 से 4 घंटे मैरिनेट किया था, और उस चिकन को अब इस ऑयल में हमने शामिल कर देना है और इसको मिक्स करना है, और उसके बाद कवर करके हम इसको रखेंगे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स। अब इसको कवर करके रख देंगे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम पे रखा हुआ है। ये देखिए दही का पानी तमाम अलग हो चुका है, इसको थोड़ी देर और कवर करके पकाएंगे, 2 से 3 मिनट। उसके बाद फ्लेम को हमने हाई किया है, ये तमाम लिक्विड इसका ड्राई करना है, और इसको भून लेंगे टिक्का स्टाइल में। चिकन ऑलरेडी मैरिनेट था, ये तकरीबन रेडी हो जाएगा जल्दी, 6 से 7 मिनट में। ये देखिए इसको ड्राई फुल हमने कर लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। अब इसको रखेंगे साइड पे, बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 4 टेबल स्पून अगेन ऑयल लिया है एक कढ़ाई में इसमें, और उसमें हमने लहसुन अदरक पेस्ट डालना है, 1 टेबल स्पून। इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा, साथ ही हमने स्लाइसिस किए हुए टमाटर पील किए हुए वो शामिल करने हैं, और इसमें तमाम मसाले भी शामिल कर देंगे साथ साथ। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, टिक्का मसाला में भी नमक शामिल था इसलिए हमने 1 टीस्पून डाला है। ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून। कसूरी मेथी जो मेन इसका है टेस्ट का, वो लाजमी शामिल कीजिएगा, 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी डाली है। इसको मिक्स करेंगे और इसको कुछ देर के लिए कवर करके हमने रख देना है जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह, इसको कवर कर दिया है और इसको अब रखेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए टमाटरों को सॉफ्ट होने के लिए। कुछ देर बाद चेक किया है, ये देखिए टमाटर बिल्कुल रेडी हैं। इसको स्पून की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेंगे इस तरह, और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसमें हमने तैयार किया हुआ टिक्का जो है वो शामिल करना है, तमाम मसाले के साथ ये डाल दिया है इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे टमाटरों के साथ, कढ़ाई मसाले के साथ, और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद नेक्स्ट आपको बताऊंगी। ये मिक्स हो चुका है, अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है
और इसमें हमने एक पैक हमने क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम 1 किलो चिकन के हिसाब से एक पैक लेना है फुल क्रीम का, और वो इसमें डाल देना है। अब इसके साथ हमने मिक्स करना है, फ्लेम को अभी हम ऑन नहीं करेंगे, तमाम चिकन के साथ क्रीम को हम मिक्स कर लेंगे वरना क्रीम फट जाएगी और इसका टेक्सचर जो है बहुत ख़राब हो जाएगा। ये मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें स्मोक देंगे। ये देखिए तकरीबन मिक्स हो चुका है, कोयला हमने गरम करने के लिए रखा हुआ है, इसके बाद हमने इसमें स्मोक देना है। कोयला रखा है, ऊपर से 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसमें रखना है स्मोक के साथ। इसके बाद ये चेक किया है, ये निकाल देंगे कोयलों को, और इसके ऊपर हमने गार्निशिंग के लिए अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालना है। हरा धनिया और साथ में स्लाइसेस में कटी हुई अदरक डाल के मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे। इसे गरम गरम सर्व कीजिए। फ्लेम को हमने दोबारा सर्व करते वक्त आपने फ्लेम को ऑन कर देना है और इसको सर्व करना है। ये देखिए कलरफुल और बहुत ज़बरदस्त, और टेस्ट तो इसका आपको मज़ा दे देगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।